डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा व्लॉग। आज है फ्राइडे और मैं हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती हूँ, लेकिन आज मैं उसको अध्यापन करूँगी, तो ये वाली व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पूजा के भोग के लिए, प्रसाद के लिए आटा गूंद रही हूँ। मेरा आटा गूंदना हो चुका है, अब मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने भगवान को अच्छे से रेडी कर दिया है, मैंने भोग भी लगा दिया है अच्छे से। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए, भोजन करके वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद उनकी थाली से बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा, बचे हुए लड्डू के टुकड़ों को एकत्रित करके दोबारा लड्डू बने। बुढ़िया उसके बाद बुढ़िया साथ ही बेटे को भोजन मम्मी बाबू को ले जा बाद उसकी माँ ने बेटे को बनाकर खिलाया। भोजन के बाद लड्डू खाने को दिए, भोजन करके वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा, बचे हुए लड्डू के टुकड़े को एकत्रित करके दोबारा लड्डू बनाए। उनके उसके बाद बुढ़िया ने साथ ही बेटे को भोजन करने के लिए काफी कुछ चादर के नीचे सब कुछ देख लिया था। वो उठकर बोला, माँ मुझे कुछ नहीं है, मैं परदेश जा रही हूँ। बुढ़िया ने कहा, तो आज ही चला जाए। बुढ़िया उनके कटे हुए वो तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले उसने अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के पड़ने बांध रही थी। उसे जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जाए परदेश को अपने कुछ काम के लिए सबसे सुधर मांगना पाल। अपने पति के वचन सुनकर वह गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी आपने देखते हुए मेरी स्थिति पति हमने सारी वक्त मंगा दी। पत्नी अपनी पति के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अभी से अपने पास रखो, लेकिन अब तुम्हें कोई निशान अपनी कोई निशानी मुझे एक दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देकर अपनी पति के पास सुनकर कुछ भी नहीं है। खूब कस का मारी है, एक अथी में फूट जाते हुआ हाल सिने माता जी के देह पर। आई
गिरा पानी। हाँ हाँ अच्छा था बोल बस बस रख दे यहाँ पे साइड में रख दे ना उधार कर रखा ना उसमें उधार का जो रख दे दुकान का जी फिर एक मिनट पे रोक दे सो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा के बाद 8 छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। अब मैं उनको खाना खिलाऊंगी और यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे खाना खा रहे हैं।